कौन कहता है कि बैंगलोर में सारा दिन बस बारिश ही होती रहती है, ग्लूमी सा वेदर रहता है। ये देखिए बैंगलोर की वीकेंड की एक सुनहरी ब्यूटीफुल गोल्डन सनलाइट वाली सुबह। और इसी सुनहरी सनलाइट के साथ आई वेलकम यू टू माय चैनल सोशल अनियन। आज का वीडियो है उन सब कॉर्पोरेट अचीवर्स के लिए जो दूसरे स्टेट्स या सिटीज से बैंगलोर आकर अपना कॉर्पोरेट करियर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपका बैंगलोर रिलोकेशन स्मूथ कर देंगे। अगर आप बैंगलोर आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना लोकेशन अच्छे से समझ लीजिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि रेंट क्या है, खर्चा कैसा होगा। वैसे बैंगलोर के कॉस्ट ऑफ लिविंग पे मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसको आप यहाँ पे कहीं देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली किस लोकेशन पे रहने वाले हैं वो डिसाइड कर ले। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है किसी कंपनी से तो ये देख लीजिए कि वो कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, और जो भी कंपनी का ऑफिस लोकेशन है उसके आसपास के एरिया को अच्छे से समझ लीजिए बैंगलोर आने से पहले ही। इसके लिए आप गूगल की सहायता ले सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं उस लोकेशन के बारे में, और अगर आपका कोई लोकल बैंगलोरियन फ्रेंड है तो उससे भी बात करके लोकेशन को समझ सकते हैं। क्योंकि बैंगलोर में अलग अलग जगह अलग अलग लाइफस्टाइल होता है या अलग अलग खर्चा हो सकता है, इसीलिए आपका वर्क लोकेशन एग्जैक्टली क्या है और आप किस लोकेशन पे रहने वाले हैं वो एक डोमिनेटिंग फीचर होगा कि आगे चल के आपकी लाइफस्टाइल बैंगलोर में कैसी होगी। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। चाहे आप बैंगलोर में सिंगल आ रहे हो या फैमिली के साथ, चाहे आप किसी बॉयज या गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाले हो या अपना अपार्टमेंट लेने वाले हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका घर या आपका रेसिडेंस या हॉस्टल आपके ऑफिस लोकेशन से 10 या 12 किलोमीटर्स की दूरी के अंदर ही हो। इससे ज़्यादा दूर अगर आप एकोमोडेशन लेंगे तो ना ही आप टाइम पर कभी ऑफिस पहुंच पाएंगे और ना ही आप घर जाकर आराम कर पाएंगे, क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक जो है इट्स अ सीरियस इशू। आपको ट्रैफिक में अटके हुए एवरी डे 2 से 3 आवर्स वेस्ट होंगे अगर आपने ज़्यादा दूर घर लिया। कम्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ट्रैफिक पे स्टैंडिंग टाइम आपका 2 से 3 आवर्स तक वेस्ट होगा अगर आपने घर जो है वो ऑफिस लोकेशन से बहुत दूर लिया। इसीलिए मेक श्योर कीजिए कि आपका जो घर है, अकोमोडेशन है, चाहे हॉस्टल हो या अपार्टमेंट, वो आपके वर्क लोकेशन से 10 या 12 किलोमीटर्स के अंदर ही हो, चाहे उसके लिए आपको 1000-2000 एक्स्ट्रा ही क्यों ना देना पड़े। बैंगलोर की फेमस ट्रैफिक का सामना करना तभी पॉसिबल होगा अगर आप अपने लिए 2-व्हीलर ले लें। अगर आपके पास 4-व्हीलर भी है फिर भी मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप एक 2-व्हीलर ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप 4-व्हीलर को यूज़ करेंगे डेली कम्यूट के लिए या ऑफिस जाने के लिए तो बी श्योर कि आपके 2 से 3 घंटे एवरी डे सिर्फ स्टैग्नेंट ट्रैफिक में बर्बाद होंगे। इससे अच्छा है कि आप 2-व्हीलर ले लें, क्योंकि 2-व्हीलर अगर आप लेते हैं तो आप ट्रैफिक को बीच में से काट सकते हैं, इधर उधर मोड़ के आप ऑफिस टाइम पर पहुंच सकते हैं, जैसे कि वी डू इट। हमने अपनी गाड़ी रखी हुई है सिर्फ स्पेशल ट्रिप्स के लिए। अगर हम फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं या अपना पर्सनल कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं तब हम अपना 4-व्हीलर यूज करते हैं, अदरवाइज माय हस्बैंड ड्रॉप्स मी टू ऑफिस ऑन हिज 2-व्हीलर। अगर आप हस्बैंड वाइफ का कपल हैं और आप दोनों जॉब कर रहे हैं तो आई विल इंसिस्ट कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपने लिए अलग अलग 2-व्हीलर्स ले ले। द वाइफ कैन टेक अ स्कूटी जिससे वो अपने ऑफिस भी जा सकती है और अपने रेगुलर चोर्स भी कंप्लीट कर सकती है। 2-व्हीलर इज अ मस्ट। मैं थोड़ी हिपोक्रेट लग रही हूँ ये बोलते हुए क्योंकि मुझे 2-व्हीलर ड्राइव करना नहीं आता, बट अब जो नहीं आता उसका क्या कर सकते हैं। बट इफ यू हैव एन ऑप्शन, लर्न टू राइड अ 2-व्हीलर। ओला या उबर के भरोसे में मत रहिएगा क्योंकि ऑफिस टाइम में ओला उबर नहीं मिलता। एक बार मैंने ऐसा किया था जब मैं ओला के लिए ट्राई कर रही थी, मैंने 8 बजे से ट्राई किया था और मुझे कार मिली थी या कैब मिली थी 11:30 बजे। सो इफ यू आर स्टिल हियर, आई एम गेसिंग दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो, तो सब्सक्राइब ही कर लो। At this point, I can hopefully say that the pandemic is finally over. इस 2 साल के पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। We are not the people who we were before the pandemic. और हम समझ चुके हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बैठ के, एक पर्टिकुलर सीट पर बैठ के काम करना ज़रूरी नहीं है। हम घर बैठे भी ऑफिस का काम उतनी ही प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं जो हम ऑफिस में करते थे, वो भी बिना सड़क का पोल्यूशन बढ़ाए, बिना ट्रैफिक बढ़ाए। एंड दिस इज़ द रीज़न आई वुड से कि Try to go for a company जिसमें hybrid model हो, जिसमें ये necessary ना हो कि आपको रोज़ office आना है। Bangalore के लिए ये बहुत ज़रूरी है because traffic is an issue. So always go for a company that
encourages you to work in a hybrid model. I know pandemic over हो गया है और एक एक करके सारी tech companies अपने employees को work from office के लिए बोल रही है. अगर आपके पास 2-3 offers हैं तो आप वो offer लीजिए जो hybrid model में है. Hybrid model means आपको हफ्ते में 2 दिन office जाना है, 3 दिन घर से काम करना है. This is a perfect balance. और अगर आपके पास इस तरह का कोई offer है तो उसको ज़रूर honor कीजिए, क्योंकि रोज़ travel करना Bangalore में it becomes a headache that you don't want. Work from home क्यों इतना important है, इसके ऊपर मैंने एक full video बनाया है which you can check out somewhere here if you are interested. I think we can maintain a healthy balance. हम अपना time भी बचा सकते हैं. आई थिंक हफ्ते का 7 से 10 घंटा हम बचा सकते हैं अगर हम हाइब्रिड मॉडल में काम करें तो. एंड हमारा ट्रैफिक भी हमारे शहर का थोड़ा कम हो जाएगा. एंड या लेट्स मेक सम वे फॉर द एम्बुलेंस. एम्बुलेंस को जाने दो यार, हम तो घर में बैठ के लैपटॉप में भी काम कर सकते हैं. इट गोज विदाउट सेइंग कि बैंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पर ही रहता है. हाँ, मुंबई जितना इतना कॉस्टली भी नहीं है बैंगलोर, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, भुवनेश्वर से, उड़ीसा से आ रहे हैं, या नॉर्थ के किसी स्टेट से आ रहे हैं, बीट मध्य प्रदेश विच इज सेंट्रल इंडिया एक्चुअली, बट से पंजाब, और अगर आप दिल्ली साइड से भी आ रहे हैं तो भी आपको बैंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाइक ज़्यादा मांगो. कई लोग हैं जो हाइक ज़्यादा नहीं मांग सकते, उनको शर्म आती है. आई थिंक हाइक कैसे मांगा जाए ऑफर लेटर पे, दैट इज़ अ होल न्यू टॉपिक एंड वी शुड मेक अ वीडियो फॉर डिस्कसिंग दिस, बट सम अदर डे. राइट नाउ आई एम सेइंग कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, इसीलिए डोंट गो फॉर द यूजुअल 30% हाइक, 33% हाइक. ट्राई टू आस्क फॉर 45% हाइक इफ एन HR इज कॉलिंग यू फ्रॉम बैंगलोर. रीलोकेशन वाले कैंडिडेट्स को अगर बजट है तो वो 45% तक हाइक दे देते हैं. तो शर्माओ मत, मांगो. देखो, मांगने से ही मिलेगा, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को भी माँ तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है. सो आई नो दिस इज सच अ क्रिंज लाइन, बट दैट्स ट्रू. अपना बजट वैसे बनाओ, अगर आपके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, आपके अगर इंस्टॉलमेंट्स चल रहे हैं, तो वो हिसाब अच्छे से कर लो और फिर पैसा मांगो या फिर वैसे हाइक मांगो. So this is a common question that I get from a lot of outsiders या North Indians who are trying to relocate to Bangalore. कि क्या Bangalore में हिंदी बोली जाती है. So देखिए, Bangalore का जो local language है, यहाँ का actual language है, वो है कन्नड़ा. So it is quite common कि लोग originally कन्नड़ा में ही बात करेंगे. आप अगर कहीं पर भी जाते हैं, कैब ड्राइवर है या ग्रॉसरी वाला है, दुकानदार है कोई, तो वो नेचुरल है कि वो कन्नड़ा में ही बात करना शुरू करेगा. लेकिन यहाँ पे बाहर से बहुत लोग आए हैं जो सेटल हुए हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों को हिंदी और इंग्लिश भी आती है. इसीलिए बैंगलोर में सर्वाइव करने के लिए हिंदी एंड इंग्लिश शुड बी इनफ. इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं. बट जस्ट अ थिंग कि बी वेरी रिस्पेक्टफुल. अगर आपसे आके कोई कन्नड़ा में बात कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड टेल देम कि आपको लोकल लैंग्वेज नहीं समझ में आती. उनको ऑप्शन दीजिए हिंदी और इंग्लिश का, एंड दे विल डेफिनेटली स्पीक टू यू अकॉर्डिंगली. ऑफिसेज में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमेशा इंग्लिश ही रहता है. ऑफिस में लोग बात भी आपसे इंग्लिश में करेंगे, ऑफिस की ईमेल्स वगैरह तो इंग्लिश में होती ही है. तो आपको काम करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप यहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं तो. और अगर आप यहाँ पे परमानेंटली या लॉन्ग टर्म सेटल होने की सोच रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लोकल लैंग्वेज समझ ले, लोकल लैंग्वेज सीख ले. आई नो कि एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद, एक नई भाषा सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मेरे लिए भी वही हो रहा है. बट अगर आप में वो टाइम है, वो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, तो आप ट्राई कीजिए सीखने का. अगर आप बैंगलोर में सेटल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी यहीं पर बड़े होंगे, आपके बच्चे स्कूल में कन्नड़ा सीखेंगे. एनकरेज देम टू लर्न द लैंग्वेज. इन शॉर्ट, आप बिना कन्नड़ा जाने भी यहाँ पर रह सकते हैं, हिंदी भी बोली जा सकती है. एंड बी रिस्पेक्टफुल, दैट्स द मंत्र. इंसान जो भी करता है एट द एंड ऑफ द डे पेट भरने के लिए ही करता है. अगर आप अपना शहर छोड़कर बैंगलोर में आए हैं तो आप भी अपना पेट भरने के लिए ही आए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फूड. तो इफ़ यू आर वरीड अबाउट द फूड, आई कैन कन्फर्म कि बैंगलोर में आपको हर तरह का खाना मिलेगा. अगर आप आउटसाइड फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन खाने की, बंगाली खाने की, उड़िया खाने की, हर तरह के खाने का आपको इनफ ऑप्शन मिलेगा. आप स्विगी में भी ऑर्डर कर सकते हैं, टिफिन सेंटर
सेंटर्स हैं यहाँ पे, होम डिलीवरी वाले फूड हैं जो नॉर्थ इंडियन खाना भी आपको परोसते हैं, डिलीवर करते हैं, इफ़ दैट इज़ वॉट यू एक्चुअली वॉन्टेड टू नो. बट मुझे ऐसा ही लगता है कि वेन इट कम्स टू फूड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप घर पर ही खाना बनाएं. सो वॉट वी कैन डू इज़ इफ़ यू आर कमिंग हेयर सिंगल देन गेट योर सेल्फ एन इंडक्शन. एक इंडक्शन ले लीजिए, दो तीन इंडक्शन की कढ़ाइयाँ ले लीजिए, सब्जी दाल घर पर ही बनाएं. चावल बनाना बहुत ईजी है और आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सबको बेसिक खाना बनाना तो आना ही चाहिए. घर पे खाने की आदत डालिए, कुक रख लीजिए. बहुत अच्छी बात है कि आप कुक रख लीजिए अगर आपको खुद खाना बनाने का टाइम नहीं है. आपको यहाँ पे बंगाली कुक मिल जाएंगे, नेपाली कुक मिल जाएंगे, पंजाबी कुक्स मिल जाएंगे, उड़िया कुक मिल जाएंगे, मराठी कुक भी मिल जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स साउथ इंडियन कुक्स तो मिलेंगे ही. तो एक कुक रख के घर का खाना घर पे खाइए, नथिंग लाइक इट. मैगी मत खाइए, ट्राई टू अवॉइड मैगी एज मच एज पॉसिबल. बाय द वे मेरी पूरी बंगाली फैमिली साउथ इंडियन खाना बहुत इंजॉय करती है, वी जस्ट लव इट. इसीलिए कुक होते हुए भी अक्सर हम बाहर से साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं, कभी कभी लंच की थाली भी ऑर्डर करते हैं. इफ़ यू आर स्टेइंग इन द सिटी आई वुड डेफिनेटली से दैट ट्राई टू एक्सप्लोर द फूड ऑल्सो बिकॉज फूड इज एन इमोशन. We all are North Indian. Yes, we are. और ये बात मुझे समझ में आ गई थी जब मैं हैदराबाद में थी. एक्चुअली बैंगलोर में शिफ्ट होने से पहले 5 साल तक मैं हैदराबाद में रही हूँ और वहाँ पर मैंने समझा कि फॉर द एंटायर साउथ बेल्ट विच इज़ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऑफकोर्स कर्नाटका, तमिलनाडु, ऑल दी स्टेट्स, केरला, हाउ कैन आई फॉरगेट केरला, फॉर ऑल दी स्टेट्स एनीथिंग विच इज़ अबव आंध्र प्रदेश इज़ नॉर्थ. तो चाहे आप जम्मू कश्मीर से आ रहे हों या फिर आप उड़ीसा से आ रहे हों या आप मध्य प्रदेश से, साउथ बेल्ट के लिए आप नॉर्थ इंडियन ही हैं. इसीलिए अगर आप एक बंगाली हैं या उड़िया हैं या मराठी हैं और यहाँ पे किसी ने आपको नॉर्थ इंडियन बोल के रेफर कर दिया तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना बिकॉज वी ऑल आर नॉर्थ इंडियन अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी. बिकॉज ज्योग्राफिकली हमारा स्टेट उनके स्टेट के नॉर्थ में है, दैट्स द रीज़न वी ऑल आर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट. जब भी आप अपने सिटी या अपने शहर, अपने स्टेट को छोड़कर एक दूसरे सिटी या शहर में जाते हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड के कुछ चीज़ें होंगी जो आपको एडजस्ट करनी होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो सामने वाले को एडजस्ट करनी होंगी. और क्योंकि इंडिया में हर जगह पे इतना ज़्यादा वेरिएशन है, इसीलिए आपको शायद एक सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़े. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आर कंट्री. एज लॉन्ग एज यू आर रिस्पेक्टफुल, यू आर मोस्ट वेलकम. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल बी अ हैप्पी पर्सन. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो रैंडमली. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कम बैक नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय बाय.